यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव का मेरा को मेरा कोटि कोटि नमन। ये कहा ही जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ संकल्प परिवार और जितने भी उपस्थित माता पिता हैं, माता पिता और गुरुओं से बड़ा योगदान तो मुझे लगता नहीं है हमारे जीवन में किसी का होता होगा इतना। तो उन सबको मैं नमन करना चाहती हूँ दिल से। और ये मेरा दूसरा प्रयास था यूपीएससी में और मेरी 124वीं रैंक है। सो मेरी अगर जर्नी ऐसे यूपीएससी जर्नी देखा जाए तो वो शायद शुरू होगी 2014 में, पर तब सिर्फ एक बीज था जो बोया गया था दिमाग में कि सिविल सर्विसेज करना है। वो था जब मैं 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही थी। तो मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सुना हुआ था कि ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, बट करना है नहीं करना वो सब चीज़ें बाद में आई। तो मैंने पहले साइंस ले लिया था सब्जेक्ट फॉर 1 मंथ। मैंने 1 महीने तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ा और फिर मुझे लगा कि कर भी लेंगे, अच्छा भी है सब कुछ, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। जो एक इंटरेस्ट होती है चीज़, वो कहीं मिसिंग थी। तो मैंने अपने घर पे माता पिता से बात करी कि सब्जेक्ट चेंज कर लें, तो वो तो हमेशा ये थे कि तुम जिसमें खुश रहो वो करो, पर सोसाइटी आसपास के लोग वो है कि आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप साइंस लीजिए, आईआईटी जाइए, आप साइंस से ह्यूमैनिटीज में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, स्कोप नहीं बचेगा। और अब तो काफ़ी माहौल चेंज हो गया है, पर ये 2014-15 की बात है। तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल मैम के पास, उन्हें बोलने कि मैम मुझे सब्जेक्ट चेंज करने हैं। तो उनने बोला क्यों, तो मैंने बोला मैम इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि मेरा ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा है, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से वहाँ परफॉर्म कर पाऊँ। और परफॉर्मेंस तो बाद में आती है, अगर आप जर्नी इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर डेस्टिनेशन की तो अलग बात है। तो उन्होंने बोला जाइए, आप सोचिए, 1 हफ्ते बाद आइए। फिर मैं 1 हफ्ते बाद तो नहीं, अगले दिन फिर पहुँच गई उनके पास कि मैम मैंने सोचा है। तो उनने बिना कुछ बोले बस वो सब्जेक्ट चेंज करने वाले पेपर पे साइन कर दिया और मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। फिर अब ये तो हो गया कि चलो सब्जेक्ट तो चेंज हो गया, अब करना क्या है आगे, मतलब 11th-12th के बाद वेयर डू आई सी माई सेल्फ, ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है, क्या करना है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ऑल्सो, क्योंकि उसके जो सब्जेक्ट थे GK, लॉ एंड इंग्लिश, मैथ, जनरल रीजनिंग, ये सब वगैरह जनरली भी मुझे पसंद था। तो सोचा कि चलो आप दो चीज़ें साथ में लेके चलते हैं, फिर देखा जाएगा। क्योंकि यू कैन नेवर, मेरा ये था कि DU आने का मन था, बट यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ हाउ मच मार्क्स यू विल गेट सो दैट यू विल बी एबल टू मेक इट टू द कॉलेज दैट यू वॉन्ट टू। तो दोनों चीज़ें लेके चली और बाय गॉड्स ग्रेस और सबकी कृपा से आई गॉट रैंक 4 इन ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट और क्लैट में भी रैंक 75। तो फिर एक मझधार, बीच मझधार में आ गए कि अब क्या करना है, अब दोनों जगह सिलेक्शन हो गया है, अब क्या आगे कैसे बढ़ना है। तो इट्स लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लाइन है जो मुझे याद आई कि 2 roads diverged in a wood and he chose the one less traveled by and that has made all the difference। तो फिर मुझे लगा कि ये नहीं यार, ये सिविल सर्विसेज के लिए सोचा है एंड तो वही करते हैं। लॉ शायद 5 साल ले ले तो हम, और इंटरेस्ट वाइज भी मुझे लगा कि मे बी इकोनॉमिक्स इज वेयर माई इंटरेस्ट लाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई शिफ्टेड एंड परस्यूड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो वहाँ से वो बीज था दिमाग में, पर अब वो बीज को नर्चरिंग नहीं हो रही थी, मतलब बीज ही था, बस बीज था। फिर लगा कि चलो अब इस पर काम करना शुरू करते हैं अलॉन्ग विद माई कॉलेज। सो 3 years आई वॉज जस्ट रीडिंग न्यूज पेपर्स एंड जनरली बींग अवेयर ऑफ वॉट दिस एग्जाम डिमांड्स। फिर पोस्ट माई कॉलेज ओनली आई फुल फ्लेजेडली जम्प्ड इनटू दिस, बट एंड फिर 1-2 साल में हो गया। तो ये तो यूपीएससी की जर्नी थी, बट नाउ व्हेन आई सी इन रेट्रोस्पेक्शन आई सी कि ये एग्जाम बहुत सैक्रिफाइस मांगता है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं और इतने सारे लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबने अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस जरूर किया होगा, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को गिव अप किया होगा यहाँ पहुँचने के लिए। एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, कि आप वो ग्रिट से लगे रहते हैं कि नहीं सोचा है तो करना है। एंड यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है, तो माई पेरेंट्स आर नॉट देयर टुडे एंड ये भी सैक्रिफाइस है, क्योंकि मेरी बहन का एग्जाम चल रहे हैं भोपाल में,
तो आज भी वो सैक्रिफाइस एक बेटी के लिए कर रहे हैं सम्मान का मोह छोड़ के। तो ये माता पिता का सम्मान और जो कंट्रीब्यूशन है उनका, उसके लिए तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम तो एक फूल हैं, बागवान तो वही हैं। एंड मुझे अभी भी याद है मेरे मेंस एग्जाम से पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मतलब मेंटली और फिजिकली इन द स्टैमिना पार्ट की इतने दिन तक लगातार लिखने में मैं शायद लिख ही ना पाऊँ, दे ही ना पाऊँ मीन्स। तो वो खड़े रहते थे, मैं चल चल के पढ़ने की आदत है मेरी राइटिंग के अलावा। तो मेरी मम्मी मुझे, मैं चलती रहती थी, वो मेरे पीछे खाना लेके चलती रहती थी कि खा ले जिससे मतलब वीकनेस ना आए। सो वो सारी चीज़ें, एक एक छोटे छोटे क्षण, छोटे छोटे पल और छोटी छोटी चीज़ें अगर हम गिनने जाएं तो शायद हमारा जीवन काल पूरा हो जाए, हम गिन ना पाए। तो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड मेरी बहन का भी इक्वली, वो मुझसे छोटी है 9 साल, पर शी इज बीन लाइक माई सेकेंड मदर। उसने हर पल मुझे इतना मोटिवेट किया है, जब जब मुझे खुद पे डाउट होता था कि नहीं नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हुआ तो क्या, शी स्टूड बाय मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह। तो फैमिली के साथ हम लोग जैसे चलते हैं तो वो ही हमारी नींव है। हम तो सिर्फ एक बुक नाम है PDF में, मैं हमेशा कहती हूँ, पर जो असली नाम है, असली काम है, वो तो हमारी फैमिली, हमारे गुरुजन और जितने भी लोगों ने हमें इस जर्नी में हेल्प किया है उन्हीं का है। और ये हम बहुत सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम वापस दे पाए सोसाइटी को। तो यही हमें उस वे में लेना चाहिए कि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, ये सफ़र अंत नहीं है। और कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि अब हम लोगों के नाम के आगे 3-4 अक्षर लगे हैं, पर वे अक्षर हम नहीं हैं। और इन अक्षरों के अलावा भी हमें किन चीज़ों के लिए जाना चाहे वो ज़रूरी है। अक्षरों की कुर्सी पर हम बैठे हैं, पर हमें ये बहुत ध्यान रखना है और बहुत संभल के चलना है कि अक्षर हमारे सर पे ना बैठ जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का सादर नमन।